मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अरे मुमानी जान का फोन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुमानी जान। क्या मामू जान आ रहे हैं? ये तो बहुत खुशी की बात है। जी ठीक है जी, अच्छा ठीक है ठीक है, अल्लाह हाफिज। अरे वाह, मेरे मामू जान आ रहे हैं। गुलाम, लड्डू, जल्दी आओ। मेरी मुमानी जान का फोन आया था, मेरे मामू जान आ रहे हैं। भाई तुम दोनों कान खोल के सुन लो, उनकी खातिर तवाज़ो में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समझ गए? जी 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 बिल्कुल, मैं भी समझ गया। जाइए और उनके आने की तैयारी कीजिए, अच्छे अच्छे खाने बनाए। चलिए। अच्छा जी, आइए 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 मामू जान, आइए तशरीफ रखिए। वाह भाई वाह, थैंक यू। कैसा लगा आपको मेरा ये बंगला? बंगला? अरे भाई पाकिस्तानी। मेरा मतलब है मामू जान, आपको मेरा घर कैसा लगा? घर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत मजा आया देख के भाई। एक काम करो, तुम जरा ये अपने इस नौकर से कह के मेरे लिए एक कप चाय बनवा दो। नौकर? मैं? जी मामू जान, ये नौकर नहीं है। अच्छा अच्छा, खान सामा हो गए ये है? नहीं नहीं नहीं, खान सामा भी नहीं है, ये तो मेरा दामाद है, हनी का शौहर, लड्डू। और लड्डू हनी का शौहर? आपने घर में मीठा ज्यादा रख लिया है। अब मीठे के साथ साथ मामू की रंगीनियां भी तो नजर आ रही हैं घर में। भाई ये तुम्हारी मुमानी का ही सारा काम है ये। अरे लीजिए, आपने मुमानी का नाम लिया और फोन आ गया उनका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुमानी जान। जी जी बिल्कुल खैरियत से पहुंच गए मामू जान, ये मेरे पास ही बैठे हुए हैं। जी जी जी, बहुत अच्छा अच्छा, बैग के आगे वाली पॉकेट में दवा रखी है। जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं वक्त पर खिला दूंगी। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। आपकी दवा का कह रहे हैं। अच्छा खूब ख्याल रखती है बहुत। गुलाम, गुलाम, ये तुमने गुलाम भी रखे हुए घर में? कोई और रखने के लिए राजी नहीं था तो मैंने रख लिया। जी 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 जी, जी बेगम। बेगम नहीं, बेगम साहिबा कहो। आपकी तारीफ? छोड़िए छोड़िए, ये तारीफ आपको रास नहीं आएगी। ये मेरे प्यारे मामू जान है। मामू? अरे मामू बस उधर ही बैठे, उधर ही बैठे। गुलाम होके ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो वैसे आपको भी जिंदा रहने की नहीं है, लेकिन चले हैं, कभी कभी इंसान सोच से बालातर होके भी सोच लेता है। हाँ, गुलाम आप जाइए, जाके मामू जान के लिए चाय बना के लाइए। जी बेगम। ये तुम्हें बेगम क्यों कह रहा है? मैंने कहा बेगम साहिबा बोलो। मामू जान ये मेरे शौहर हैं, इनका नाम गुलाम है। अच्छा अच्छा, दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम देखे जिनका नाम उनकी हालत जाहिर से मिलता हुआ हो बिल्कुल। जी जी जी। फोन आया था, वो कह रही थी कि मामू जान का ये बैग है ना, इसकी अगली जेब में मामू जान की दवाई रखी है, तीनों वक्त याद से खिलाना, भूलना नहीं। पक्का याद रखूंगा, पक्का। हेलो। हेलो मैडम। हाँ हाँ मैडम, जिस पार्टी से हमारी मीटिंग थी वो ऑफिस पहुंच चुके हैं। अच्छा, अरे वो लोग इतनी जल्दी आ गए। चलो ठीक है, बस मैं अभी आई। ठीक है ठीक है। वो मामू जान मुझे जरा दफ्तर जाना होगा, असल में दफ्तर में काम बहुत ज्यादा है ना। आप आराम से इस घर में रहिएगा, बिल्कुल अपना ही घर समझिएगा। ठीक। गुलाब और लड्डू। जी 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 भैया। मामू जान का बेहद ख्याल रखना, कोई तकलीफ ना होने पाए। हाँ हाँ, फिक्र ही नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मामी जी, बिल्कुल। मैं आती हूँ। अच्छी बात।
मामू लाइए लड्डू लड्डू कहाँ इंडस्ट्री को फ्रेश फेस दूंगा अगर मिल जाए तो क्या बात है ये आप यकीनन मामू है ना मामा के मामू इस रिश्ते से तो आप मेरे नाना हुए मैं हनी वो तानी बेगम है ना उनकी बेटी अच्छा कैसी हो बेटा ठीक हो कैसे मैं तो ठीक हूँ मगर आप ये उंगलियों से क्या कर रहे थे ये कैमरा है इसे डायरेक्टर का फ्रेम कहते हैं आप डायरेक्टर हैं हाँ किस कंपनी के ओहो भाई ये कोई कॉर्पोरेट डायरेक्टर नहीं हूँ मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ मामू आप फिल्म के डायरेक्टर हैं अच्छा वो कौन कौन सी मूवी बनाई है आपने वो खुदा के वास्ते और एक्टर इन लॉस लव इन खैबर पख्तूनख्वा और बड़ी बहुत मामू चाहे ये देखो मामू और पता क्या ये डायरेक्टर है फिल्म के अरे मैं तो पहली नजर में ही जान गया था कि ये बहुत बड़ी फिल्म है छोड़े ना मामू ये बताएं आपने कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं अरे भाई रिपीट टेलीकास्ट में देख लेना बहुत लंबी लिस्ट है कराची किस लिए आए हैं आप अरे भाई फिल्म बनाने आए हैं नई कास्ट चाहिए मुझे कास्ट चाहिए मामू क्या ये फिल्म का नाम है अरे नहीं भाई फिल्म बना रहे हैं तो नए लोग कराची शहर में आए हैं कास्ट करेंगे नए चेहरे नए अदाकार सब कास्ट करेंगे और जैसे ही कास्टिंग मुकम्मल हो जाएगी फिल्म की शूटिंग शुरू दुबई में दुबई मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका मैंने फिल्म सिनेमा में चलवानी है नेशनल ज्योग्राफी पे नहीं चलानी है भाई तुम लोग कराची में रहते हो जल्दी से मेरी कास्ट फाइनल करवाओ मुझे नए चेहरे चाहिए भाई मामा फिक्र ही ना करें ये काम तो आप मुझ पे छोड़ दें मैं आपको नए नए लोगों से मिलवाऊंगा लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा तुम एक आध रोल ले लेना मामू मैं चिकन मायो गार्लिक रोल की बात नहीं कर रहा वो फिल्म वाले वो। अच्छा ऐसा करना तुम डबल रोल कर लेना डबल रोल लेकिन एक मसला है मम्मी जी से इजाजत लेनी पड़ेगी ना अरे मेरे होते हुए चू भी नहीं करेगी वो कुछ नहीं बस तुम जल्दी से कास्टिंग मुकम्मल करवाओ सब सवाल बांधो और मेरे साथ दुबई चलो देखो अगर तुम आना चाहती हो ना तो अभी आ जाओ और हाँ एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता दूँ मैं तुम्हें साइड हीरोइन का काम दिला सकती हूँ करना है तो बताओ क्या लीड अब वो तो मैं कर रही हूँ ना देखो तुम्हें आना है तो तुम आ जाओ ठीक है तो फिर जल्दी आ जाओ बाय लीड चाहिए हाँ वो तो ठीक है लेकिन अगर सिलेक्शन होगी ना तो आधी पेमेंट मेरी होगी हाँ अच्छा चल ठीक है कोई गड़बड़ नहीं करना मगर हाँ अगर गड़बड़ की ना तो फिर हाँ ओके बाय शाबाश जरा ये अब ये देखिएगा शाबाश बहुत अच्छा बहुत तो सर मैं अपना रोल पक्का समझू आपका एक टेस्ट अभी और होगा क्या नाना जान इतने सारे टेस्ट आप कर चुके अब क्या आप इसका ब्लड टेस्ट भी करेंगे नहीं दरअसल
ये अपने हीरो प्रिंस के साथ एक कॉफी शॉप में दाखिल होंगी। क्या प्रिंस? कौन होगा मेरा प्रिंस? प्रिंस आपके कुत्ते का नाम है। हाँ तो अब ये कौन सा इतना खास रोल है जिसके लिए इतने सारे टेस्ट कर रहे हैं आप? देखो भाई, होगा ये कि मैं इनका कॉफी शॉप में बैठ के इंतजार कर रहा होगा और ये वहां प्रिंस के साथ दाखिल हो, बस लाइव सीन का वहीं ऑडिशन हो जाएगा। मामू जान, ये इस उम्र में इतनी रंगीनी काफी है? ये काफी और कैफे की बातें छोड़े, वो बाहर ऑडिशन की जो लाइन है वो काफी लंबी है। और वो बेचारे कब से धूप में खड़े हुए हैं, पता है, कह रहे कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मामू ने तो एक ही लड़की पे इतना टाइम लगा दिया। हा? तो बस भाई, ये समझो कि तुम मेरी फिल्म की हीरोइन फाइनल हो। नाना जान, हीरोइन तो मैं थी ना भाई। मेरी फिल्म में दो हीरोइन है ना। मुझे नहीं पता दो हो या तीन हो। ए, उठो चलो निकलो यहाँ से, जाओ। मगर लोग बाहर पूछ रहे हैं कि फिल्म की स्टोरी क्या है। हाय, ये तो सोचा ही नहीं कि फिल्म की स्टोरी क्या होगी। हैं? भाई कोई राइटर मिलेगा तो फिल्म की स्टोरी फाइनल होगी ना। अब राइटर कहाँ से लाए भाई? भाई ये मेरा काम नहीं है, इस शहर में आए इसलिए हूँ। राइटर ढूंढोगे तो ये ऑडिशंस होंगे वरना सब कैंसिल, और फिर दुबई जाना भी कैंसिल। राइटर ढूंढो जल्दी। बताइए, इतना बड़ा राइटर हमारे महल्ले में रहता है और हमें मालूम ही नहीं। इन बातों को छोड़े, जल्दी से डायरेक्टर को बुलाएं, मुझे देर हो रही, मैंने जाना भी है। अब देखिए ना भाई, बात ये है कि मैं हर एक को तो चांस नहीं दे सकता ना फिल्म में। नहीं नहीं, फिर इंशाल्लाह बात होगी, खुदा हाफिज़। ये हमारे मामू जान है, हमारी बेगम है ना उनके भाई है। नहीं नहीं, हमारी बेगम के मामू जान है ये। हाँ मामू जान, ये राइटर है और ये बहुत बड़े फिल्म के डायरेक्टर है। अच्छा, कैसे हैं आप? जी बस बस जी, दुआएं हैं आपकी। मेरी दुआएं? मेरी तो इनसे वाकफियत भी नहीं, मैंने तो दुआएं नहीं दी भाई आपको। वो जी, वो तो इखलाकन कहा जाता है ना। अच्छा, इखलाक भी देख लेते हैं आपका। ये बताइए, आपने क्या लिखा है अब तक? क्या क्या लिखा हुआ है? जनाब, मेरा लिखा हुआ तो पूरा शहर देखता है, शहर की जितनी दीवारों पर जो कुछ भी लिखा हुआ है आपके खादिम का है। यानी ये नकाश का भी, नकाश बाबा बंगाली, और ये क्या काला जादू, ये सब आपका लिखा हुआ है। देखिए, हमारी जो फिल्म है ना, ये दीवारों पर रिलीज नहीं होती है। आप ये बताइए, आपने फिल्म के लिए, सिनेमा के लिए क्या लिखा है अब तक? जनाब बहुत लिखी है, ये चार्ली चैपलिन की जितनी फिल्मों के डायलॉग्स हैं ये मैंने ही लिखे हैं। ये गूंगी फिल्मों के डायलॉग आप लिखते हैं? वो भी कोई राइटर है जो आर्टिस्ट को देख के ना लिख सके? अरे भाई, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो डायरेक्टर साहब को अच्छी लग जाए। कोई ये कहानी है मेरे पास? ले जी, अब जो मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ, वो कहानी ना तो आपने इससे पहले सुनी होगी ना किसी फिल्म में देखी होगी। लेकिन आप तो स्क्रिप्ट लेके नहीं आए, आप तो खाली हाथ आए। स्क्रिप्ट कहाँ है? हाथ तो खाली है, स्टोरी है, यहाँ है, यहाँ। ऐसा ना करें, नारियल टूट जाएगा। जनाब, मैं कोई मामूली राइटर नहीं, बहुत पोचा हुआ राइटर हूँ, 4 बार जेल जा चुका हूँ, लेकिन दीवारों पे लिखना नहीं छोड़ा मैंने। तो फिर कोई आप कहानी सुनाए ना। जी तो सुने, एक दफा का जिक्र है, एक स्टेशन पे ट्रेन आती है, टेड़ी बाप। हाँ, ट्रेन से एक लड़की उतरती है। तो ये थी सारी स्टोरी। खत्म हो गई मामूजान। मामूजान उठे, मामूजान उठे, कहानी खत्म हो गई। भाई ये कहानी हमें कुछ पसंद नहीं आई, आप दूसरी सुनाएं कोई। ठीक है, सुनाएं जल्दी। सुनो, ये सुनाई थी यही सुना दो, जब भी सो रहे थे अब भी सो गए, वही सुना दो जो सुना रहे थे। क्या? घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद।
राम, यार ये बताओ कि इतनी रात को वो राइटर आ भी जाएगा क्या? अरे लड्डू बहुत तेज है मामू जान, राइटर को लेके ही आएगा, आप देखिएगा। हाँ है तो बहुत तेज। और मामू जान, मैंने एक काम और किया। हाँ? ऑडिशंस के लिए कुछ लोग। अरे छोड़ो मुझे। अरे यहाँ आओ यार, रात के वक्त कौन सा काम होता है? फिल्म का। खुदा के वास्ते यार, अभी तो मैं नींद की तैयारी कर रहा था कि उठा के ले आए। बात सुनो मेरी, फिल्म की लीड कास्ट फाइनल हो चुकी है और आज रात हमें सपोर्टिंग कास्ट को फाइनल करना है, क्योंकि सुबह हम लोग दुबई जा रहे हैं सब के सब। और एक्टर नंबर वन को अभी बुलाता हूँ। एक्टर नंबर वन ऑडिशन के लिए हाजिर हो। अरे 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 लड्डू डाला। अबे ओ, अबे ये क्या ड्रामा है? कभी तू कसाई बन जाता है, कभी मैकेनिक बन जाता है, अब ये दूध वाला। जनाब वो सीजन तो कुर्बानी का था, उस वक्त मोची भी कसाई बन जाते कसाई। और वो मैकेनिक? जनाब जैसे जापान की गाड़ी आने लगी ना, वो खराब भी नहीं होती है, उसमें हमारा नुकसान था, तो मैंने सोचा कि मैं दूध वाला बन जाऊं। वाह क्या किरदार मिला है डायरेक्टर साहब, इस पर तो मैं पूरी फिल्म लिख सकता हूँ। भाईजान इस पे मत देखना फिल्म, इतना सा है 10 मिनट में फिल्म खत्म हो जाएगी। बस डायरेक्टर साहब यही किरदार चाहिए मुझे अपनी फिल्म के लिए। ले चलो इसे। अरे तुम कहाँ चले, इधर आओ। नहीं नहीं मुझे माफ करो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मैं दूध देने के लिए आ गया। अच्छा मेरी बात सुन, इधर आ। हाँ अभी तो तैयार हो गया। एक्टर नंबर टू हाजिर हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। बोल के बताओ भाई। हमारे एक्टर नंबर 22 ऑडिशन के लिए तशरीफ ले आए। ऑडिशन के लिए एक्टर नंबर 6 हाजिर हो। एक्टर नंबर 22 हाजिर हो। एक्टर नंबर 100 ऑडिशन के लिए हाजिर हो। भाई आप लोगों ने किस तरह के लोग बुला लिए ऑडिशन के लिए, ये कैसे काम चलेगा भाई? मामू जान इस वक्त सब्जी वाला, दूध वाला, अखबार वाला या कोई चर्सी मॉल ही मिलेगा, मैं कहां से लेकर आऊं? वाह मेरी फिल्म तो आम लोगों में हिट हो जाएगी, अरे मास हिल जाएंगे। भाई ज्यादा ना हिले, अगर हड्डी पसली इधर से उधर हो गई तो मसला हो जाएगा भाई। ठीक है फिर पैकअप, 2 घंटे का आराम करो और कल सवेरे दुबई रवाना होंगे, और नाश्ता जो है ना वही रास्ते में मिलेगा तुम्हें, समझ गए? ओए ओए ओए। हैं? अरे इस हुलिया में सुबह सुबह दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहाँ की तैयारी है? सरप्राइज। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? देखिए चलोगी ना तो मामू जान खुद बता देंगे। जान बता देंगे? अच्छा ये बताएं कि मामू जान को 3 वक्त की दवाई तो खिलाई है ना? दवाई? हाँ हाँ दवाई खिला दी मैंने, खिला दी। 3 वक्त बाकायदगी से खिलाई? 3 वक्त? यहाँ 3 वक्त? 3 वक्त खिलाई है मैंने बेगम। चलें ठीक है। ये तुमने अपने बैग के ताले वाले चेक कर लिए भाई साहब? जी जी मैंने सब कुछ रख लिया है। आप फिक्र ही नहीं करें, मैंने सब पैक कर लिया, बस ये बताएं हम नाश्ता दुबई जाके करेंगे ना, कितना मजा आएगा ना। अरे समंदर के ऊपर नाश्ता करने को मिलेगा तुम्हें भाई, क्यों नहीं मिलेगा? मामू जान जी आप जा रहे हैं? मामा आप सिर्फ मामू जान नहीं, हम सब जा रहे हैं, वो भी दुबई। ये क्या बकवास है, कहाँ जा रहे हैं मामू जान बताइए ना। भाई मैं अपनी नई फिल्म में काम कराने के लिए इन सबको दुबई लेके जा रहा हूँ। दुबई?
फिल्म दुबई। लो भाई पड़ गया मामू जान को फिर से दौरा। गुलाब आपने मामू जान को दवाई नहीं खिलाई ना? अरे बेगम ऐसा क्या है इस दवाई में? अरे मामू जान को भूलने की बीमारी है, इन्हें भूलने का दौरा पड़ जाता है। मुझे मोमानी जान ने बताया था ये कभी एक्टर बन जाते हैं, कभी शायर बन जाते हैं, कभी कारपेंटर बन जाते हैं, कभी पेंटर बन जाते हैं। मामू जान कुछ याद है ना आपको? पैसे निकलवाने आए थे आप। पैसे? कैसे पैसे? अरे भाई मामू जान का इस्लामाबाद में स्पंज की चप्पलें बनवाने का कारखाना है। एक व्यापारी कराची का था, वो इनके पैसे लेकर भाग गया, ये वही तो निकलवाने आए थे। चलो मामू जान कुछ याद आया आपको? मुझे तो शायद फिर भूलने का दौरा पड़ गया था, मगर ये आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? आपका कत्ल करके जेल। मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद।